एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की ट्रामा यूनिट ने दुर्घटना में जांघ की हड्डी टूटने से बुरी तरह से घायल एक युवक को नया जीवन प्रदान किया है। कुछ दिनों पूर्व युवक को देर रात गंभीर अवस्था में बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने युवक को अपनी निगरानी में रखकर ऑपरेशन किया। युवक अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। खैरागढ़ निवासी युवक कमल यादव को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के ट्रामा यूनिट की टीम ने नया जीवन प्रदान किया है। दुर्घटना में जांघ की हड्डी टूटने से बुरी तरह घायल और बेहोशी की हालत में कमल को कुछ दिनों पूर्व देर रात अस्पताल में लाया गया था। युवक के साथ आए परिजन तत्काल इसका ऑपरेशन कराने की मांग कर रहे थे। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा एवं अन्य डॉक्टरों द्वारा मरीज की स्थिति और सांस लेने में हो रही तकलीफ को देखते हुए परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ सपोर्ट पर रखकर इलाज आरंभ किया गया। ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने और मरीज के नॉर्मल होने के बाद उसकी जांघ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा, एनेस्थीसिया और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की प्रारंभिक अवस्था और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली 2। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हमारे पास एक मरीज आया, कमल यादव नाम का एक युवक था, जिसकी आयु थी 21 वर्ष और खैरागढ़ में उसका एक्सीडेंट हुआ था। मरीज हमारे पास करीब 2 बजे या 3 बजे रात के आसपास में यहाँ पर आया था। मरीज के दाहिने जांघ की हड्डी एक्सीडेंट के कारण से टूट गई थी, तो मरीज़ के परिजन ये चाह रहे थे कि हम जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कर दें। पर हमने उसको समझाया कि जांघ की हड्डी जब टूटती है तो जांघ की हड्डी में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चर्बी कई बार घुल के खून की नस के माध्यम से फेफड़े की धमनियों को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। पर मरीज़ के रिश्तेदार ये बात सही ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि सर आप जल्दी ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बहुत समझाया कि मरीज़ की जान को खतरा भी हो सकता है, ऑपरेशन करना ही इलाज नहीं है। इलाज के कई मतलब अवस्थाएं हैं कि आप ऑपरेशन के पहले मरीज फिट होना चाहिए, फिर ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेशन की बात की एक अवस्था रहती है। तो ये डिसीजन लेना बहुत तो इंपॉर्टेंट था इस मरीज़ के लिए कि कब इसकी सर्जरी करें। हालांकि घर वाले उस बात को समझ गए थे और अगले ही दिन मरीज़ के सांस लेने में तकलीफ होने लगी मरीज को, और उसके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल था, जो कि सामान्यतः 98% से ऊपर होना चाहिए, वो 80% के आसपास में आ गया। और मरीज की जो अवस्था थी, जो मानसिक अवस्था, वो भी बदल गई थी। मरीज जो था वो सोया सोया सा रहता था, बातें नहीं कर रहा था, ड्राउजी रहता था मरीज। तो हमने उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और बाकी उसको लाइफ सपोर्ट पे रखा, और मरीज जो था 3-4 दिन के बाद में मरीज जब नॉर्मल हो गया, जब उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से ऊपर हो गया, तब हमने उसके जांघ की हड्डी की सर्जरी की। आज हम मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज़ का जब इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें जो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ऑपरेशन करना कब है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कई सारे अस्पताल में कि मरीज़ जैसे ही आता है वैसे ही उसको ऑपरेशन कर देते हैं, कई बार परिजन के दबाव में या दूसरे कारणों से। पर ऐसे मरीज में जब आप ऑपरेशन, अगर मान लीजिए कि इस ऑपरेशन को हम लोग उसी दिन या उसके अगले दिन कर देते हैं, तो उसका जान जाने की जो आशंका थी वो कई गुना बढ़ जाती है, जान जाने का खतरा रहता है इसमें। तो हमने उसको एकदम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखा कि इस फ्रैक्चर में, खास करके जब मरीज की अवस्था, जो आयु जो है वो 30 साल से कम है और मरीज पुरुष है, तो वैसी अवस्था में पहले से ही हड्डी के अंदर में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हर मरीज की हड्डी की चर्बी निकल के फेफड़े में चले जाए ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी ये रिस्क होता है, और इस रिस्क को पहले से समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग सही डिसीजन ले सकें। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास या आपके साथ में कोई ऐसा मरीज है जिसको, जो एक्सीडेंट के कारण कोई चोटें आई हैं, तो हमारा जो अस्पताल है, एसआर हॉस्पिटल, वो तत्पर है मरीज की सेवा के लिए, और हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सही समय पे जो सही इलाज है उसका ध्यान रखते हुए मरीज का इलाज करते हैं, ताकि हर जान महत्वपूर्ण है, ताकि उसको बचाया जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली 2। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हमारे अस्पताल में कमल यादव नामक 21 वर्षीय युवक एक्सीडेंट से पीड़ित होकर आया था। उसके दाएं पैर की जांघ की हड्डी टूट चुकी थी। करीब रात के 2-3 बजे मरीज हमारे पास आया था। मरीज जब हमारे पास आया, उस वक्त हम पर दबाव बनाया जा रहा था परिजनों द्वारा कि उसका ऑपरेशन तुरंत कर दिया जाए, मगर एनेस्थीसिया तथा
ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर डिस्कशन किया और उसमें हमारा डिसीजन ये रहा कि ऐसी अवस्था में पैर की हड्डी से निकली हुई चर्बी जाकर फेफड़े तथा दिमाग में नसों को ब्लॉक कर सकती है, जिसके कारण मरीज को आगे जाके सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, झटके आना या लकवा लगना, ये सारी संभावनाएं रहती है। ऐसी अवस्था में ऑपरेशन तुरंत करना मतलब जान का खतरा बढ़ाना होता है। तो हमने परिजनों को समझाया, उन्होंने हमारी बात मानी। हमने 2-3 दिन तक मरीज़ को ऑब्जर्व किया, उसको स्टेबलाइज़ किया। शुरू में जो उसको सांस लेने की दिक्कत हो रही थी वो धीरे धीरे कम हुई, ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल आया। मरीज जब शुरू में आया था एक्सीडेंट के उस वक्त के बाद काफ़ी उसका होश ठीक नहीं था, खोया खोया सा रहता था, परिजनों को पहचान नहीं पा रहा था। पर आईसीयू में स्टाफ ने सारी उसकी केयर की, जो 2-3 दिन में हमने उसको स्टेबलाइज़ किया, उसकी दिमाग की हालत सुधरी, उसके फेफड़ों की हालत सुधरी, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आया, उसके बाद हमने उसके ऑपरेशन का निर्णय लिया। और इसके मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जा रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि जब भी आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टरों की सलाह माने। ज़रूरी नहीं होता कि ऑपरेशन ही हर चीज़ का इलाज है या फिर तुरंत इलाज मतलब ऑपरेशन ही है। मरीज़ को तुरंत इलाज मिलना ज़रूरी होता है, पर वो इलाज क्या है ये बताने वाला सही व्यक्ति डॉक्टर ही हो सकता है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि हमारा जो अस्पताल है एसआर हॉस्पिटल, यहाँ पर सर्वसुविधा युक्त अस्पताल है। हमारे यहाँ 24 घंटे ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, एनास्थेशिया, आईसीयू, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आपको कभी भी किसी परिजन के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मरीज और उसके परिजन ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, मेरा नाम श्याम कुमार यादव है। क्या हो गया था आपको? मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। कैसे? घर जा रहे थे तो सर कार से मैं टक्कर हो गया। यहाँ आप कब आए थे? यहाँ 25 को सर। क्या मतलब किस तरह का इलाज हुआ? यहाँ के डॉक्टरों ने किस तरह से देख रखी है? ठीक है सर, यहाँ का डॉक्टर और ठीक है, डॉक्टर लोग का, सिस्टर लोग का, सब ठीक है। अभी आप डिस्चार्ज हो रहे हैं? जी सर। मिथुना राम यादव। क्या हुआ था भैया वो कमल यादव को? वो एक्सीडेंट में गिर गया था सर, तो वो अपने जिला से का हॉस्पिटल खैरागढ़ में भर्ती किया था, वो उसने रिफर किया यहाँ, यहाँ की पूरी ट्रीटमेंट करा है। क्या प्रॉब्लम हो गया था जान में? उसकी जो जांघ की है उसकी हड्डी टूट गया था, इसके लिए यहाँ भर्ती किया। तो एक्सरे फिर देखे कि डॉक्टर दीपक सर ने इसके ऑपरेशन किया है। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है बोले सर। डिस्चार्ज हो रहा है? हाँ। गौरतलब है कि अत्याधुनिक संसाधनों, ट्रामा यूनिट और विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता की वजह से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली क्षेत्र की जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में सभी बीमारियों का उपचार किया जाता है। दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मरीजों को ठीक करने में यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने अपनी श्रेष्ठता लगातार साबित की है। अस्पताल में डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर भी इलाज किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।